अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल। याद आ गया, मुंबई स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल आज हम बनाते हैं क्विकली। अगर आपके पास ये है क्रिस्पी नूडल्स, एक्चुअली क्रिस्पी नूडल्स बाजार में रेडीमेड भी मिलते हैं, आपको वो चाहिए, आप वो लेके बनाए, उसमें तो 2 मिनट में बन जाएंगी आपकी ये वाली रेसिपी। तो अगर आपके पास नूडल्स नहीं है और आपको तब भी ये रेसिपी बनानी है, तो मैं स्क्रैच से बना रही हूँ, नूडल्स को भी फ्राई कर रही हूँ। चलिए मेरे साथ, हम पहले नूडल्स फ्राई करते हैं, फिर झटपट बाकी की जो वेजिटेबल्स है और सॉसेज डाल के उन्हें मिक्स करके भेल बना देंगे उसकी चाइनीज की। चलिए, एक पतीली के अंदर पानी डालिए, उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1 से 2 टेबलस्पून जितना तेल डालकर उसे फास्ट आंच पर उबाल खिलाने रख दीजिए। जब अब उबाल आ जाता है तो आप आधा नूडल्स का पैकेट तोड़कर डाल दीजिए। वैसे मैं पूरा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आधे का हाका नूडल्स बनाना है। वैसे हाका नूडल्स की रेसिपी मेरे YouTube चैनल पर है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। बार बार उसे चलाते रहें, आप चाहें तो फास्ट पर भी पका सकते हैं या मीडियम पर भी पका सकते हैं, मैं फास्ट रखी हूँ आज। अब जब 2 से 3 मिनट हो जाती है और अल डेंट हो जाए, तो इन्हें छान लीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए और क्विकली ये जो पानी है ना, ठंडा पानी लीजिए और ये हमारे जो नूडल्स है उस पर डाल दीजिए, सो दैट वो जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो बंद हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालकर उसे थोड़ा मिक्स कर साइड पर रख दे ठंडा होने के लिए। वैसे मैंने ये जो नूडल्स हैं उन पे तेल आपने देखा लगाया नहीं। अब साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर तेल लिया, तेल अच्छा गर्म हो गया फास्ट आंच पर, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर थोड़े से ये जो नूडल्स है ये डालिए। देखिए, जब डालेंगे तो इस तरीके से तेल ऊपर आने लगेगा, तो थोड़ा पीछे रहिएगा और आप चाहें उस समय स्लो कर दीजिएगा चूल्हे को। चलिए, जब आप फिर जब थोड़ा सा नीचे हो जाए फिर से तेल, तो आप चूल्हा फास्ट या मीडियम कर दीजिए, उलट पलट करते जाए और 2-3 मिनट हो जाए और आप देखें लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए नूडल्स, तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस के अंदर ये सारे नूडल्स को फ्राई कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने डाला, मैं अभी चूल्हा स्लो कर देती हूँ, तो ये जो तेल है ना सबसाइड हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए ना। अच्छा, आप हाथों की मदद से इसे खुले खुले कर दीजिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे। चलिए, अब लाइट रखने या डार्क कलर में रखना है वो पूरा टोटली आपके ऊपर है, लेकिन लाइट गोल्डन ब्राउन हो तो निकाल लीजिए और पैचेस में इसी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ और सारे निकाल लेती हूँ बना बना के। तो चलिए, जैसे आप देख सकते हैं ये बन चुका है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना है, जब फ्राई हो जाए और हल्के से ठंडे हो जाए ना, तो उन्हें हाथों की मदद से बस थोड़ा सा हल्का हल्का तोड़ दीजिए, तो ये जो एंटेंगल्ड है ना एक दूसरे में वो निकल जाए, तो आपको और खुले खुले नूडल्स मिलेंगे ना क्रिस्पी। और आप चाहें तो इन्हें और पीसेस भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और मैं ज्यादा बारीक पीस नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा ऐसे बड़े बड़े होते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्रूम क्रूम मुंह में आते तो अच्छे लगते हैं। चलिए, अब इसके लिए सॉस बनाते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं प्रिपरेशंस हैं, सॉसेस हैं, 3-4 टाइप की ये हैं, सब्जियां हैं, और वो आप पीछे देखिए बढ़िया से मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई नूडल्स हमें हमारे कितने बढ़िया से घर में बने, एकदम लग रहे हैं ना बाजार जैसे। तो चलिए क्विकली इसका सॉस बना लेते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर जिसमें आपने जो तेल में फ्राई किया था ना वही तेल डालिए 2-3 बड़े चम्मच, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ लहसुन 1/4 छोटा चम्मच, आप एक भी डाल सकते हैं, और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें, समझिए ना आधा या 1 मिनट तक आपने इसे फ्राई करना है। जब आधा 1 मिनट हो जाता है तो इसमें डाल दीजिए लंबी लंबी कटी हुई 1 मीडियम साइज की प्याज, मैंने कुछ ज़्यादा पतली नहीं काटी है। आधा या 1 मिनट तक प्याज को भी फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। जब फ्राई हो जाती है प्याज आधे 1 मिनट के बाद कच्ची पक्की हो जाती है, तो चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और इसमें डाल दीजिए बारीक बारीक लंबी लंबी कटी हुई आधी गाजर और बारीक बारीक लंबी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, ये दोनों डालकर 10 सेकंड के लिए फ्राई कीजिए। बार बार चलाते रहिए, चूल्हा मीडियम पर रखिए और जब 10 सेकंड हो जाए फ्राई करके, तो आधी कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी भी डाल दीजिए और उसे भी मिक्स कीजिए और उसे भी 10 सेकंड के लिए फ्राई कीजिए। हमें कच्ची पक्की रखनी है तो इसके लिए 10-10 सेकंड फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए, हरी प्याज की पत्ती, उसे भी मिक्स कीजिए और चूल्हा बंद कर दीजिए। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए यहाँ स्वाद अनुसार।
आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच विनेगर, एक छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस, एक टेबलस्पून रेड चिली सॉस, एक से डेढ़ टेबलस्पून जितना टमाटर सॉस, दो टेबलस्पून शेजवान चटनी या शेजवान सॉस डाल सकते हैं आप, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए हल्का चुटकी भर। मैं रेड तंदूरी फूड कलर डाल रही हूँ, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो वहाँ हम लोग डालते हैं। अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक प्याले में इन्हें निकाल लीजिए और ये जो क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स हमने फ्राई करके रखे हैं ये भी सारे डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस डालकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अच्छा, इस समय आप थोड़ा सा चख लें, आपको अगर स्पाइस कम लगे तो शेजवान चटनी डाल दें, आप चाहें तो थोड़ा सा बाहर ना थोड़ा खट्टा ज़्यादा रखते, मैंने खट्टा कम रखा है, तो आप चाहें तो दो छोटे चाय के चम्मच सिरके डालें और दो छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस डालें, अगर आपको बैलेंस कम लग रहा है तो आप टमाटर सॉस डाल दें। चलिए ये सारा हो चुका है, मैं इसे प्याले में निकाल ली हूँ और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस डाल के गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। चलिए तो मैं फटाफट, पहले तो आइए बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ। चलिए मैं क्विकली खा के आपको दिखाती हूँ कैसा बना है आज का मेरा मुंबई स्ट्रीट स्टाइल, मैं नाम ही भूल जाती हूँ, मुंबई स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत मजेदार बनी, मेहमान आएंगे और फटाफट हम बना के ये खिलाएंगे, बहुत ही मजेदार। इसका एक और पॉइंट बहुत अच्छा है, आप क्या कीजिए, मैंने इसे सारी चीजों को फ्राई किया, आपने देखा मसाला जो सॉसेस डाले, चूल्हा बंद करने के बाद सॉसेस डाले, प्याले में निकाला, इसे मिक्स किया और सर्व किया। आप चाहें तो इसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, बट मुझे वैसा ठंडा इतना पसंद नहीं है। दूसरा तरीका क्या है मैम, आप लहसुन मत डालिए, आप कच्ची प्याज और ये जो सारी वेजिटेबल्स हमने डाली थी एक बाउल में डालिए, सारे जो सॉसेस है वो सारा डालिए, हल्का सा नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, मिक्स कर लीजिए, ये नूडल्स डाल दीजिए और मिक्स करके सर्व कीजिए, है ना, वो भी क्विक वे। अगर आपके पास ये फ्राई करने का समय ना हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपको तो पता है क्या करना है, ड्रिल गया है, आपने लाइक करना ये वाले वीडियो को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे जो लिंक्स है इसे फॉरवर्ड करना है। अगर आप ये बनाएं तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इंजॉय मुंबई स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल। आ गया मुझे नामा। मजेदार।